अब कोरोना का नया रूप बन रहा है खतरा, आप रहें सावधान। एक तरफ जहां भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दरों में सुधार है, तो वहीं कोरोना के नए स्ट्रेन से एक नई चिंता पैदा कर दी है। ब्रिटेन से भारत लौटे कई लोगों में वायरस के नए रूप के संक्रमण की पुष्टि हुई है। पेट्रोल डीजल के दामों में 2 दिनों की राहत के बाद लगा झटका, आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 2 दिन थोड़ी राहत मिलने के बाद फिर से डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। मथुरा में किसान पंचायत को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी, बांके बिहारी का भी लेंगी आशीर्वाद। प्रियंका गांधी किसान महापंचायत के मंच में किसानों को साधने के साथ ही डीजल, पेट्रोल, गैस की बढ़ती कीमतों सहित प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार को घेरेंगे। यूपी पंचायत इलेक्शन में इस बार अपनाई जाएगी एक जनपद एक बार व्यवस्था, होगा बदलाव। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार एक जनपद एक बार सिस्टम को अपनाया जाएगा। इसके तहत एक जिले के सभी ब्लॉक में एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज कुमार ने सोमवार को इस संबंध में सभी जिलों के डीएम व कमिश्नर को निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी पंचायत चुनाव में सोशल मीडिया ने गांव की सियासत को बनाया रोमांचक, धड़ल्ले से हो रहा प्रचार। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होने लगी है। अब अपनी अपनी जीत पक्की करने के लिए नेता लोग मैदान में उतर गए हैं, लेकिन इस बार गांव के चुनाव में सोशल मीडिया भी अहम भूमिका निभा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखें भले ही अभी घोषित नहीं हुई हो, पर प्रत्याशी से लेकर उनके समर्थक तक सोशल मीडिया के द्वारा जमकर प्रचार कर रहे हैं। एक शब्द में कहें तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी लोकसभा चुनाव की तरह सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार किया जा रहा है। पीपी मॉडल पर विकसित की जा सकती है नोएडा फिल्म सिटी, फिल्मी हस्तियों के साथ होंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश के नोएडा फिल्म सिटी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल पर विकसित करने का सुझाव दिया गया है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का बजट में बड़ा ऐलान, पंचायत राज के लिए दिए 712 करोड़। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले बजट में पंचायती राज के लिए करीब 712 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव की तारीखें अभी तक तय नहीं हुई हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव पूरे कराए जाएं। यूपी बजट में योगी सरकार ने युवा वकीलों को दिया तोहफा, बजट में प्रावधान। योगी सरकार ने अपने इस कार्यकाल के आखिरी बजट में युवा वकीलों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। सरकार ने वकीलों के चैंबर, युवा वकीलों की आर्थिक मदद और पुस्तिकाओं व पत्रिकाओं की खरीद के लिए बजट में प्रावधान किया है। सरकार की तरफ से वकीलों के लिए कुल 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यूपी बजट में अयोध्या, वाराणसी समेत अन्य धार्मिक स्थलों के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना। अयोध्या में बनने वाला एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम जय श्री राम होगा, योगी सरकार के बजट में बताई ये बातें। किसानों पर मेहरबान योगी सरकार, बजट में मुफ्त सिंचाई के लिए दिए 700 करोड़। योगी सरकार का बजट में ऐलान, मजदूरों को घंटे के हिसाब से होगा पेमेंट। राज्य सरकार के इस बजट में छात्रों, युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए कुछ नई घोषणाओं के साथ ही जनता के बीच विकास का बड़ा संदेश देने का काम भी इस बजट के माध्यम से सरकार करेगी। योगी सरकार के बजट में बड़े शहरों की बल्ले बल्ले, मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 1175 करोड़ रुपए का प्रावधान। बजट में योगी सरकार ने बताया रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है और क्या है आपके लिए इसका मतलब। पैसे का आना और उसका जाना, इसी को बजट बोलते हैं। यूपी सरकार ने भी बजट में बताया कि राज्य के पास पैसा कहां से कितने आते हैं और कहां जाते हैं। लगातार 5वां बजट लाने वाले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। विपक्ष ने योगी सरकार के बजट पर कसा तंज, कहा यह किसान विरोधी, निराशाजनक और चुनावी स्टंट। उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल में प्रस्तुत 2021 और 22 के बजट को किसानों, युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों समेत आम जनता के लिए निराशाजनक और चुनावी स्टंट बताया है। स्मृति ईरानी का अमेठी में होगा अपना आशियाना, घर बनाने के लिए खरीदी जमीन की करवाई रजिस्ट्री। कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अब अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में अपना आशियाना बनाएंगी। सोमवार को स्मृति ईरानी ने अमेठी पहुंचकर गौरीगंज तहसील में उप निबंधन कार्यालय पर आवास के लिए भूमि का बैनामा कराया है। दुनिया का अकेला एयरपोर्ट जो हिंदू देवताओं को समर्पित, लेकिन ये भारत में नहीं है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना बजट पेश करते हुए घोषणा की कि अयोध्या में बनने वाला एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर होगा। अगर ऐसा हुआ तो किसी हिंदू भगवान के नाम पर यह देश का पहला एयरपोर्ट होगा। अब तक देश में किसी एयरपोर्ट का नाम किसी भगवान के नाम पर नहीं है। हालांकि दुनिया में एक ऐसा एयरपोर्ट जरूर है जो हिंदू भगवान को समर्पित है। वहां उसकी मूर्ति कई जगह नजर आती है और ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका संस्कृत में नाम रखा गया है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। दक्षिण एशिया का ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में होगा बच्चों का जोरदार स्वागत। स्मार्ट क्लासेज के जरिए होंगी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश में लगभग एक साल से बंद प्राइमरी स्कूलों को 1 मार्च से दोबारा खोला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने पिछले एक साल से बंद पड़े स्कूलों में प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स का स्वागत गर्मजोशी के साथ करने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। लंबे समय तक स्कूल के माहौल से दूर रहे बच्चों का स्वागत रंग बिरंगे गुब्बारों और फूलों से करने का फैसला लिया गया है। पौधे का रिकॉर्ड बनाने वाली मेरठ की 8 वर्षीय ईहा का नाम मंगल ग्रह भेजेगा नासा। मेरठ की इस नन्ही परी की तारीफ देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई मंत्री और बॉलीवुड की हस्तियां तक कर चुके हैं। 12,000 से अधिक पौधे लगाने का रिकॉर्ड बना चुकी 8 वर्षीय ईहा दीक्षित का नाम वर्ष 2026 में नासा मंगल ग्रह पर एक चिप के जरिए भेजा जाएगा। देश में पहली बार अमृतसर में शुरू हुई ट्री एम्बुलेंस सेवा। पेड़ पौधों की 32 बीमारियों का होगा इलाज। आपने इंसानों और जानवरों के अस्पतालों और एम्बुलेंस के बारे में तो सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन आज हम आपको एक अनोखे अस्पताल और एम्बुलेंस के बारे में बताएंगे। यह अस्पताल अपने आप में नायाब है। दरअसल यह अनोखा अस्पताल पंजाब के अमृतसर जिले में शुरू हुआ है। लोग इस अस्पताल की जमकर तारीफें भी कर रहे हैं। दरअसल अमृतसर का यह अस्पताल पेड़ पौधों का इलाज करेगा। यह अनूठी शुरुआत IRS अधिकारी रोहित मेहरा ने की है। उनका कहना है कि पेड़ पौधे जब बीमार पड़े तो उन्हें उखाड़ कर न फेंकें, क्योंकि उनका इलाज हो सकता है। आयुर्वेद को आधार बनाकर पौधों का इलाज किया जाएगा। इसी उद्देश्य से देश में पहली ट्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। जो व्यक्ति पेड़ों के इलाज के लिए ट्री एम्बुलेंस की मदद चाहेगा उसे मोबाइल नंबर पर सूचित करना होगा। इसके बाद गठित की गई विशेषज्ञों की टीम मौके पर जाएगी और निरीक्षण के बाद उसका इलाज शुरू होगा। कानपुर में लाउडस्पीकर से होने वाले अजान पर रोक के लिए अभियान चलाएगा हिंदू संगठन। राष्ट्रपति को देगा ज्ञापन। मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर से होने वाली अजान को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। अब अजान की तेज आवाज़ को बंद करने के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल अभियान चलाने जा रहा है। बताया जाता है कि बजरंग दल कानपुर में 1,00,000 लोगों से हस्ताक्षर कराकर माहौल बनाने का काम करेगा। संगठन के पदाधिकारी हस्ताक्षर युक्त 1,00,000 पोस्ट कार्ड संग राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की बात कह रहे हैं। कानपुर शहर में मिश्रित आबादी वाले इलाकों में तेज आवाज से अजान होती है, जिसे रोकने के लिए शहर में अभियान चलाया जाएगा। बिग बॉस 14 जीतने की खुशी में रुबीना दिलैक ने दी पार्टी। दोस्तों के साथ देर रात तक मनाया जश्न। रुबीना दिलैक ने बिग बॉस 14 का खिताब जीतने की खुशी में दोस्तों और करीबियों के साथ कल रात खूब जश्न मनाया, जिसकी कुछ फोटोज अब इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। अगले 5 दिनों तक गर्मी छुड़ाएगी पसीने। अधिकतम तापमान 32 डिग्री व न्यूनतम तापमान पहुंचेगा 14 डिग्री। फिलहाल सुबह शाम की हल्की सर्दी ही लोगों को परेशान कर रही है। अब अगले 4 दिन गर्मी लोगों को पसीने छुड़ा सकती है। दरअसल मंगलवार से शनिवार तक अधिकतम तापमान व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 डिग्री व न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास बना रहेगा। उसके बाद एक बार फिर से तापमान 30 डिग्री पहुंचेगा। वहीं 25 फरवरी तक सुबह के समय मध्यम कोहरा रहने की संभावना व्यक्त की गई है।